जब मैं जॉब मांगने एक संपादक के दफ्तर में गया तो उसने मुझे गालियां देते हुए दफ्तर से बाहर निकाल दिया था। उस संपादक ने मेरी शक्ल और मेरा लिहाफ देखकर मुझे ठेठ गांव का गंवार समझा था। मेरा जवाब सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, डर गया था, इसलिए उसने मुझे अपने यहाँ नौकरी नहीं दी। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के? उम्मीद है बेहतर होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो बड़ी ही शानदार है और मेरे साथ वो घटना घटी है। उस घटना को मैंने दिल से जिया है और आज भी याद कर कर हंस देता हूँ। तो बात दरअसल 2015 की है, जब मैं इंदौर में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था और मेरा सेकेंड ईयर था। हमारे प्रोफेसर ने बोला कि अब आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग सीखना है, यानी कि फील्ड में उतरकर, ज़मीन पर उतरकर पत्रकारिता कैसे की जाती है ये सीखने की ज़रूरत है। इसलिए अपने अपने हिसाब से आप जो अखबारों के दफ्तर होते हैं, टीवी चैनल के जो दफ्तर होते हैं, उनके पास जाओ, उनसे इंटर्नशिप का बोलो और दरअसल सीखो। जो मेरे साथ पढ़ने वाले अन्य बच्चे थे उनकी पहचान थी, उनके रिश्तेदारों की कहीं पहचान थी, उनकी फैमिली वालों की कहीं पहचान थी, तो सभी की इधर उधर सेटिंग हो गई। यानी कि किसी को अखबार का दफ्तर मिल गया इंटर्नशिप के लिए, किसी को टीवी चैनल, जो रीजनल टीवी चैनल है, वो इंटर्नशिप के लिए मिल गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं 7-8 दिन साइकिल से इंदौर के कई सारे अखबारों के दफ्तर नापता रहा। जब मैं जाता तो मुझे ये कह दिया जाता कि अभी ज़रूरत नहीं है, इंटर्नशिप को हमारे यहाँ मौका नहीं दिया जाता है, अभी बहुत सारे हमारे पास रिपोर्टर है, आप 1 महीने बाद आना, 2 महीने बाद आना। मैं हताश हो गया। हमारे प्रोफेसर रोज़ पूछते थे कि भाई तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हें कोई दफ्तर मिला नहीं मिला? मैं कहता था सर नहीं मिला। मैं हताश होकर जो है घर बैठ गया, कॉलेज भी जाना मैंने छोड़ दिया। एक दिन मेरे एक मित्र ने बताया कि दरअसल आप शाम के टाइम पर एक अखबार निकलता है उसके दफ्तर जा सकते हो, वहाँ पर ट्राई कर सकते हो कि वहाँ इंटर्नशिप का मौका आपको मिलता है या नहीं मिलता है। मैंने सोचा यार चलो चलते हैं देखते हैं। वो शाम के टाइम का जो अखबार निकलता था बड़ा नामचीन अखबार है और उसका सर्कुलेशन तकरीबन 1,00,000 के ऊपर था। मैं चला गया, शाम की 5 बजे के आसपास मैं गया तो संपादक साहब अपनी गाड़ी से निकल चुके थे, मैं जाकर पहुंचा और वो निकल गए थे। उस अखबार का दफ्तर मेरे घर से तकरीबन 12 या 15 किलोमीटर दूर स्थित था। मैंने कहा, जाके पूछा कि मुझे संपादक साहब से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि वो अभी गाड़ी से निकल रहे हैं। मैंने पूछा अब कब मिलना होगा, तो उन्होंने कहा कि अब कल शाम को 3 के बाद ही आप मिल पाओगे। मैंने सोचा चलिए कल 3 बजे आता हूँ मैं। अगले दिन 3 बजे पहुँचा, संपादक साहब अपने कैबिन में थे, जो रिसेप्शन पर महिला थी उनको कहा कि सर से मिलना है, उन्होंने कहा वेट कीजिए सर अभी व्यस्त हैं। आधे पौन घंटे तक इंतज़ार किया, फिर मैम को कहा कि मैम प्लीज़ आप जाकर बोलिए ना, तो मैम जो रिसेप्शन वाली महिला थी वो गई और कहा कि कोई मिलने आया है सर, इंटर्नशिप करना चाहता है ये ना वो। तो संपादक ने कहा कि 1 घंटा इंतज़ार करवाओ अभी मैं व्यस्त हूँ। मैंने 1 घंटा और इंतज़ार किया, फिर मैंने रिसेप्शन वाली महिला को बोला कि एक बार और जाकर ट्राई कीजिए, फिर वो गई और कहा कि सर वो बोल रहे हैं। तो संपादक ने कहा चलिए पहुंचा दीजिए उसे। मैं दरअसल गया, संपादक बिल्कुल पहलवान जैसा था और संपादक साहब नाम के संपादक थे वो, मैं तो ऐसा मानता हूँ। बाद में मुझे पता चला कि वो कुछ लिखते वगैरह नहीं थे, वो तो मालिक ही मान के चलिए, उनको लिखने वाले आर्टिकल दूसरे लिखते थे, नाम उनका छपता था, लेकिन संपादक के तौर पर वो वहाँ विराजमान रहते थे। संपादक ने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा, मैंने उनका अपना सारी चीज़ बताई कि सर मैं उस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरा सेकंड ईयर है, पत्रकारिता का छात्र हूँ और जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ, आपके यहाँ इंटर्नशिप करने की मेरी इच्छा है, क्या मुझे मौका मिल सकता है? तो संपादक ने कहा कि हम तुम्हें इंटर्नशिप के लिए रख तो लें, लेकिन मेरे कुछ सवाल है, अगर उसका जवाब आप ठीक ठाक दोगे तो हम रख लेंगे, इंटर्नशिप पर नहीं आपको जॉब पर ही रख लेंगे। मैंने कहा पूछिए सर। तो मैंने सोचा पत्रकार से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाएगी, हो सकता है कि जीके पूछा जाए, हो सकता है कि नेशनल खबरों के बारे में पूछा जाए, लेकिन उन्होंने पूछा कि तुम्हारे कॉलेज से
इस दफ्तर तक बताइए कितने स्पीड ब्रेकर हैं। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया, अरे ये तो कभी मैंने काउंट ही नहीं किए कि मेरे कॉलेज से लेकर तो इस दफ्तर तक कितने स्पीड ब्रेकर हैं। मैंने कहा सर पता ही नहीं, मैंने ये तो कभी गिना ही नहीं। और कॉलेज से उस अखबार के दफ्तर की दूरी तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर के आसपास थी, 30 तो किलोमीटर होगी होगी मैं ऐसा श्योर हूँ। फिर कहा कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है, तुम कैसे पत्रकारिता करोगे, तुम्हें रोड के बारे में पता नहीं है, स्पीड ब्रेकर के बारे में पता नहीं है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर बताइए आप मुझसे पूछ रहे हो आपके घर से लेकर तो आपके ऑफिस तक कितने स्पीड ब्रेकर हैं। संपादक साहब ने कहा कह रहे मेरे से सवाल पूछ रहे हो, हाँ सर। उन्होंने कहा कि 18 है। मैं उठ गया और कहा कि सर चलिए कल मिलते हैं। कि ठीक है मिल लेंगे कल। मैंने एक सवाल और कहा कि सर आपके घर का पता दीजिए, एड्रेस दीजिए। संपादक ने कहा नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं मिलेगा एड्रेस आपको, क्यों दूँ आपको एड्रेस। मैंने यही बोला कि चलिए मैं पता कर लूँगा। मैं दफ्तर से निकला और किसी से पूछा कि मुझे संपादक साहब के घर का पता चाहिए, किसी ने नहीं दिया। इधर उधर बड़ी जद्दोजहद, एक शाम को जब वो निकल रहे थे तो मैं उनकी गाड़ी के पीछे हो लिया। और कार कितनी सरपट से दौड़ती है और साइकिल कितनी तेज चलती है आप सभी को पता है, लेकिन उनका घर ज़्यादा दूरी पर नहीं था। और मैंने सोचा कि चलो धीरे 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 में चला गया, ढूंढता ढूंढता उनके कॉलोनी में पहुंच गया। वो गाड़ी तो निकल गई थी उनकी, लेकिन मैं, हमारे एक और मित्र थे जो उसमें कहीं ना कहीं काम कर चुके थे, तो उनसे मैंने पूछा कि यार वो सर कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने एक कॉलोनी का नाम बताया, उस कॉलोनी का नाम नहीं बता सकता अभी, कि उसमें वो रहते हैं, और किसी से पूछ लेना उनका नाम चलता है। मैं पूछता पूछता उस कॉलोनी में गया और उनका घर भी मुझे मिल ही गया। उनके घर से मैंने एक पन्ना लिया, मतलब उनके घर से नहीं लिया, मेरे पास तो कॉपी थी डायरी थी, लेकिन उनके घर के यहाँ से मैं साइकिल से स्पीड ब्रेकर गिनता रहा कि कितने हैं दफ्तर तक। रात की 10 बजे से वहाँ चला, तो वहाँ से चला मैं, ठीक है ना, और नोट करता, लैंडमार्क नोट करता रहा, कौन से स्थान पर है ना, कितना बड़ा है, क्या लोकेशन है, सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली और घर आ गया। मैंने स्पीड ब्रेकर गिने तो वो दरअसल 18 नहीं बल्कि 9 निकले थे। अगले दिन मैं संपादक साहब के दफ्तर में गया, संपादक साहब को पता चला कि मैं आया हूँ, तो कहा गया कि इंतज़ार करें 2 घंटे, व्यस्त चल रहे हैं अभी। मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठा, फिर मैंने रिसेप्शन वाली मैम से कहा कि आप जाइए कहिए, वो गई तो उनको ये रिप्लाई मिला कि सर अभी बिजी है, अभी नहीं मिल सकते। मैंने आधा पौन घंटा और इंतज़ार किया, फिर गुस्से में, मुझे पता है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, फिर मुझे एक सडनली गुस्सा आया और मैं जाके डायरेक्टली जो है, संपादक ये कह रहे थे बार बार कि वो मीटिंग में व्यस्त है व्यस्त है, डायरेक्टली संपादक के केबिन में घुस गया। संपादक बैठा बैठा सिगरेट पी फूंक रहा था और एकदम सडनली चमक गया, अरे भाई तुम कैसे आ घुसे यहाँ पर, परमिशन वर्मिशन कोई जगह होती है नहीं होती है, परमिशन लेना चाहिए नहीं चाहिए हैं। मैंने बोला सर आप कह रहे थे मीटिंग में है और मीटिंग में आपको डिस्टर्ब किया इसके लिए सॉरी सर। बोला क्या बात है बोलो। मैंने उनको कागज़ थमाया कि लीजिए सर आपके घर से आपके दफ्तर तक ओनली 9 स्पीड ब्रेकर हैं, इसमें सारा एड्रेस लिखा हुआ कहाँ कहाँ पर है, पूरा लैंडमार्क है इसमें, लीजिए। तो संपादक चमक गया, घरे तू मेरे घर पे चला गया था क्या। मैंने बोला सर नहीं आपके घर के पास से गिनता हुआ आया हूँ मैं, यही मान के चलिए आप। संपादक ने कहा करे मैंने तो तुझसे जो सवाल पूछा था तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर जांचना था, हाजिर जवाबी जांचनी थी, परखना थी कि तू हाजिर जवाबी है या नहीं है। मैंने एक ही बात बोली कि सर पत्रकारिता तथ्यों से डेटा से और पुख्ता जानकारी से चलती है, हवाबाजी से नहीं। तो संपादक बिल्कुल ऐसा होगा तो मुझे सिखा रहा है। मैंने बोला कि आपकी जो हवाबाजी है ना, आपकी जो लफाजी है ना, इसको पत्रकारिता नहीं इसको गप कहते हैं। और आपने जो सवाल पूछा है ये किसी भी पत्रकार का जो आएगा पत्रकारिता करने के लिए आपके यहाँ या जो इंटर्नशिप करने के, उससे ऐसा सवाल नहीं पूछे जाते, पत्रकारिता से रिलेटेड आप सवाल पूछते बेहतर होते हैं। उसने कहा ओए निकल निकल, गालियाँ दी उसने मुझे 2-3, निकल, गुस्सेल आदमी था, गालियाँ देकर मुझे निकाल दिया, मैं पेपर उसके यहाँ फेंक के आ गया। उसके बाद
मैं कभी किसी दफ्तर में नौकरी मांगने नहीं गया। और दरअसल कहीं ना कहीं मैंने एक महीने इंतज़ार किया, फिर मुझे ऑफ़र आया एक जगह से। हमारे एक मित्र ने बताया था बहुत अच्छा लिखता है, तो वहाँ से मुझे ऑफ़र आया। इंटर्नशिप के लिए नहीं आया, डायरेक्टली जॉब के लिए आया कि हम आपको 2000 मंथली पे करेंगे, आप हमारे यहाँ आए और ग्राउंड रिपोर्टिंग करें और सीखे। मुझे टाइपिंग को नहीं आती थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी कोशिश की करने की, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, और पेमेंट मिलने भी लगा। फिर एक दिन उसी अखबार के दफ्तर में मैं सिटी चीफ बन गया, यानी कि पूरी सिटी की खबरें मैं देखता था, कवर करता था, जाता था। फिर कई सारे दफ्तरों से ऑफिस से कह सकते हैं कि निमंत्रण आया कि आप हमारे यहाँ आ जाओ। मैंने 3-4 दफ्तरों में जॉब की, अच्छा अनुभव रहा। लेकिन उस संपादक को जिसने मुझे गालियाँ दी, उसको आज भी मैं सोचता हूँ ना तो लगता है कि यार पत्रकारिता में भी कैसे कैसे लोग भरे बैठे हैं। है तो संपादक, लेकिन उन्हें पत्रकारिता का पाबी नहीं आता है। यकीन, तो ये कहानी मेरी ज़िंदगी में बड़ी इंटरेस्टिंग वाली है और बहुत हंसा था मैं उस रात को। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अगर इंटरेस्टिंग लगी हो। कभी भी मैं तो ये कह रहा हूँ ना, सामने वाला आदमी अगर आपकी परीक्षा लें तो कोशिश कीजिए कि उसके परीक्षा लेने का पैमाना क्या है। वो उलूल जुलूल बातें कर रहा है या रियल आपकी फील्ड से जुड़ी हुई बातें कर रहा है। अब स्पीड ब्रेकर कौन गिनवाता है, कौन गिनता है भाई, कौन गिनता है। मैंने भी सोच लिया कि मैं इसको आईना ज़रूर दिखाऊंगा। ये हमारी पत्रकारिता के साल रहे हैं, करियर उस समय जब कर रहे थे पढ़ाई तब कर रहे हैं। कॉलेज में भी हमारे काम ऐसे उल्टे सुलटे थे, प्रोफेसर हमें जो हैं या तो क्लास से बाहर कर देते थे या मुझे पढ़ाते ही नहीं थे। बोले भाई तू रहने दे, तू चुप रह।